ये तो हमारी खेलने की उम्र है ना? पर देखिए किस्मत, मजदूरी कर रहे हैं हम। सर पर मां के आंचल की छाव नहीं, शेठ की डांट और पटकार है। अच्छा तो हमें भी नहीं लगता है यूं किसी के सामने हाथ फैलाना, पर क्या करें। छोटू, चुटकी, ये लड़के, ये है हमारी नई पहचान। असली पहचान तो अब हमें भी याद नहीं। काश कोई होता जो हमारे लिए भी सोचता। इनकी इस मजदूरी की धूप को शिक्षा की ठंडी छांव बनाने, इनके इस फटेहाल हालत को भूली बिसरी याद बनाने प्रतिबद्ध है गुजरात पुलिस। सेवा, सुरक्षा और शांति का प्रतीक। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने, केंद्रीय गृह एवं सहकार मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में, गुजरात के गृह मंत्री श्री हर्ष संघवी के परफेक्ट प्लानिंग से इन बच्चों को मिला एक नया जीवन। ये 18 साल से कम उम्र के वो बच्चे हैं जो या तो गायब हुए थे या अपहरण के शिकार हुए थे, किसी चौराहे पर भीख मांगते थे या किसी ढाबे, ठेले या दुकानों में मजदूरी करते थे। इनमें से करीब 80% बच्चे तो ऐसे थे जो दूसरे प्रांतों से यहां लाए गए थे। कमाई का शॉर्टकट अपनाने के लिए होता था इनका शोषण। जिन्हें बचाया गया अहमदाबाद पुलिस के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट द्वारा। पर यह बात सिर्फ बचाने तक सीमित नहीं है, ये बात है इनके जीवन को बनाने की भी। तभी तो रेस्क्यू के बाद इन बच्चों का होता है मेडिकल चेकअप भी। चाइल्ड काउंसलर द्वारा इनकी काउंसलिंग भी होती है, साथ ही में होती है उनके पेरेंट्स की भी काउंसलिंग। और सबसे बड़ी बात, इन बच्चों को शिक्षा के माध्यम से दिखाया जाता है उज्जवल भविष्य का रास्ता भी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं, शुरू होती है, क्योंकि पुलिस, गृह विभाग और शिक्षा विभाग मिलकर करते हैं इनका मॉनिटरिंग। वैसे तो इन्हें बुक्स, यूनिफॉर्म, ये सभी सरकार से मिलता ही है, और जो कम पड़ जाता है वो मुहैया कराता है पुलिस विभाग। अहमदाबाद शहर के कुछ एरियाज में बच्चे भिक्षावृत्ति में इन्वॉल्व रहते थे, खास करके सीजी रोड पे और एसजी हाईवे पर। तो उसके लिए हमने लास्ट 3 महीने में खास जुम्बिश एक चलाई है, जिसमें हमने कुल लगभग 60 FIR दाखिल की हैं और 100 से ज़्यादा बच्चों को रेस्क्यू किया है। ये काम अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के द्वारा करा गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अंडर में उन अभी तक 43 बच्चों को हम स्कूल में एडमिशन भी करा चुके हैं और बाकी की भी एडमिशन का प्रोसेस चालू है। तो ये काम काफी अच्छा अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने किया है। एक तरफ जहां इनको रेस्क्यू कर इनके जीवन को संवारने का काम होता है, वहीं पर दूसरी तरफ इनके जीवन को इस दोजख में डालने वालों के खिलाफ होती है कड़ी कार्रवाई। क्योंकि कभी ये बच्चे अपने माता पिता की मजबूरी का शिकार बनते हैं, कभी अनाथ होने के बाद पालक अभिभावकों के जुल्म का, तो कभी अपहरणकर्ताओं और मानव तस्करों की लालच का। इन सब में कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो दूसरे राज्यों से लाए गए हैं, तो उन्हें उनके परिवार से मिलवा दिया जाता है। इतना ही नहीं, यहां तक कि नशे का शिकार बन रहे, नशे के कैरियर बने और बन रहे बच्चों और युवाओं को भी सही राह दिखाई जाती है। अब हम किसी ढाबे या टपरी पर मजदूरी नहीं करते, स्कूल के मैदान में खेलते हैं। अब हमारे हाथों में भीख का कटोरा नहीं, स्कूल की किताबें हैं,
और इसका कारण आप ही हो। थैंक यू पुलिस अंकल। गुजरात पुलिस, सेवा, सुरक्षा और शांति का प्रतीक।